टेंथ स्टैंडर्ड का हम लोगों ने फोर लेसन कंप्लीट किया था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके अभी वो लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उस लेसन में कुछ सम्स है, प्रॉब्लम्स है। ओके अभी वो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक्सरसाइज में सर्टेन फोर प्रॉब्लम्स दिए, सम्स दिए, तो उसमें से देखो फर्स्ट सम जो उन्होंने दिया है। ओके टेक्स्ट बुक आप सामने रखो, उसमें आप फर्स्ट सम आपको मिलेगा द हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, हीट। ओके इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वाट। ओके 100 वाट, वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। ओके तो 100 वाट दिया है यानी पी दिया है, क्या दिया है पी। द करंट ऑफ 3 एंपियर, करंट दिया है 3 एंपियर फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके तो हमारे पास क्या-क्या है। ओके 100 वाट, 100 वाट यानी पी है हम लोग के पास, करंट है I, एंड फाइंड करने के लिए बोला है हम लोग को रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंस। ओके तो फर्स्ट सम हम लोग सॉल्व करते हैं, पहला हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या, गिवन है ओके गिवन P, कैपिटल P इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू 100 वाट। ओके उसके बाद उन्होंने दिया है करंट I इज इक्वल टू 3 एंपियर, ये उन्होंने गिवन दिया है। और क्या फाइंड करने का है हम लोग को, फाइंड करने का है हम लोग को रेजिस्टेंस R। ओके अभी हम लोग के पास एक फार्मूला है, वो अगर आप देखोगे तो हम लोग के पास P is equal to VI, ऐसा एक फार्मूला रहता है P is equal to VI। ओके तो P है I। ओके मगर हम लोग को ये V नहीं चाहिए, हम लोग को फाइंड करने का है रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करने का है रेजिस्टेंस फाइंड करने का। ओके तो मैं वो रेजिस्टेंस कैसे लाऊंगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो देखो V is equal to IR करके एक मेरे पास फॉर्मूला है, V is equal to IR, ये V के जगह मैं ये वैल्यू डालूंगा V is equal to IR। ओके तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा, फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो देखो क्या है, P is equal to V के जगह IR डाला, IR into I। ओके तो फॉर्मूला मेरा बनेगा P is equal to I square R, ये फॉर्मूला बनेगा P is equal to I square R। अभी आपको ये सब नहीं करना है, ओके ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है P is equal to I square R, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है P is equal to I square R। ओके ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक में, मगर वो हम लोगों ने बनाया बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ V, V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ओके तो मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मेरा, ओके ये अभी मैं सॉल्व करूंगा, यहां पे फॉर्मूला है मेरा P is equal to I square R। ओके P का वैल्यू पता है मुझे 100। ओके I का वैल्यू पता है मुझे 3 का स्क्वायर into R, 3 का स्क्वायर into R। ओके अभी देखो ये 100 is equal to 3 का स्क्वायर 9 into R। ओके अभी हम लोग को R निकालना है रेजिस्टेंस। ओके 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो डिवाइड होंगे, तो मेरा आएगा 100 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू R, देयरफॉर R इज इक्वल टू, अभी 9 से आप 100 को डिवाइड करोगे ओके तो आपका आंसर आएगा 9 1 1, फिर से 10 बन जाएगा 9 1 1। ओके तो हर बार आपको ये ऐसा ही आंसर आएगा, अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो 11.11111 ऐसा आंसर आता जाएगा। ओके तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये उसका यूनिट है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 11.11 या फिर 11.11 ओके ओम। तो आपको वर्डिंग में उसका आंसर लिखना है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 11.11 ओम। ओके तो ऐसा ये सब है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके पी दिया है, आई दिया है, आर हम लोगों ने निकाला है, मगर फॉर्मूला देखो कैसा बना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ और यहाँ। ओके तो ये फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट जो सम दिया है वो देखो, सेकेंड सम क्या दिया उन्होंने,
टू टंगस्टन बल्ब ऑफ वेटेज ऑफ 100 वाट एंड 60 वाट, दो बल्ब है ओके, जिसका वाट है एक का है 100 और एक का है 60 वाट, वर्क्स ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल ओके, कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्ट किया है बल्ब को, पैरेलल कनेक्ट किया है, हाउ मच करंट विल बी इन द मेन कंडक्टर ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि मेन कंडक्टर में कितना करंट उसका रहेगा वो हम लोग को फाइंड करना है ओके, तो हम लोग के पास क्या-क्या है P ओके 100 वाट एंड 60 वाट, तो दो है, दो बल्ब है, तो हम लोग के पास है P1 एंड P2, P1 इज 100 वाट, P2 इज 60 वाट, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है 220 वोल्ट, और दोनों को कनेक्ट किया है पैरेलल, कैसे कनेक्ट किया है पैरेलल, और हम लोग को फाइंड करना है टोटल करंट कितना है ओके, उस कंडक्टर से टोटल करंट कितना जाता है वो फाइंड करना है ओके, तो हम लोग पहला लिखेंगे गिवन ओके, P1 कैपिटल P1 क्या दिया है 100 वाट, P2 कितना दिया है 60 वाट ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने दिया है 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ओके, और हम लोग को फाइंड करना है टोटल करंट ओके, अभी करंट कैसे जाएगा, करंट जाएगा दो बल्ब से, एक इस बल्ब से जाएगा और दूसरा सेकेंड बल्ब से जाएगा, टोटल करंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बल्ब का करंट और इस बल्ब का करंट, दोनों का करंट ऐड करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे टोटल करंट ओके, तो इसका करंट रहेगा I1 और इसका करंट रहेगा I2 ओके, टोटल करंट यानी I1 प्लस I2, तो मुझे I फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है, मगर उससे पहले मुझे I1 एंड I2 फाइंड आउट करना पड़ेगा ओके, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है मेरे पास P, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला है, देखो टर्म्स कौन कौन से है, P है, V है, I मुझे फाइंड आउट करनी है, मगर यहाँ पे दो बल्ब है ओके, तो मेरे पास ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मगर दो बल्ब है, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, P1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है तो V और करंट अलग रहेगा I1, तो P1 इक्वल टू V इनटू I1 और दूसरा आएगा P2 इक्वल टू V इनटू I2 ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर बल्ब डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट P1 इज इक्वल टू V इनटू I1 और वैल्यूज डालते हैं हम लोग, क्या वैल्यूज है मेरा, P1 कितना है 100 इक्वल टू V 220 इनटू I1 ओके, तो मेरा I1 क्या आया 100 अपॉन 220 ओके, तो जीरो गया ओके, अभी देखो I1 इक्वल टू 10 अपॉन 22 अभी 22 से 10 को डिवाइड करो या फिर 10 से 22 को, या फिर इन दोनों नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड होता है, तो 2 5 10 और इधर नीचे आएगा 11, तो मेरा आंसर आएगा 5 upon 11 ओके, ये मेरा I1 है, अभी इसी तरह मैं फाइंड आउट करूंगा I2 ओके, तो P2 इज इक्वल टू V इनटू I2, P2 क्या है मेरा 60, V क्या है 220 इनटू I2, तो I2 इज इक्वल टू 60 upon 220, जैसे ये 220 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 60 upon 220, तो जीरो गया ओके, अभी किससे डिवाइड होगा 2 से, कर दो डिवाइड 2 3 जा 11 सा, तो कितना आया 3 upon 11 ओके, अभी मेरा टोटल करंट मुझे फाइंड आउट करने का, तो मुझे I1 मिला I2 मिला, टोटल करंट में कैसे फाइंड आउट करूंगा, I is equal to I1 plus I2,
तो I1 मेरा आया है 5/11 प्लस I2 आया है मेरा 3/11, तो I is equal to 5 plus 3 होता है 8/11, 8/11, ओके? अगर आप 11 से इसको डिवाइड करोगे, 11 से 8 को अगर आप डिवाइड करते हो, तो आंसर आता है आपको 0.0727 एम्पियर। देखो 11 से 8 को तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 होगा, 0 का डिवीजन होगा, बन जाएगा कितना, बन जाएगा 80 बन जाएगा, तो 11 7 जा 77, ओके, तो बचेगा, हम लोग डिवाइड करके यहां पे देख सकते हैं 11 0 0 बच गया 8.80, 11 7 जा 77 बच गया 30, ओके, किससे डिवाइड होगा, 2 11 2 जा 22, कितना बच गया 80, फिर से वही आता 0.727, कितना आंसर आता है 0.727, ओके। तो पहले हम लोगों ने I1 फाइंड किया और बाद में I2 और वैल्यूज डाला और उससे हम लोगों ने फाइंड आउट किया है टोटल करंट I, क्या फाइंड आउट किया है टोटल करंट I, तो टोटल करंट I कितना आया 0.727 एम्पीयर। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड सम है, वो सम है हु विल द स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। यहाँ पे दो अप्लायंसेस दिया है, दो अप्लायंसेस है, एक है टीवी और दूसरा है हीटर, ओके। टीवी का जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर कितना है 500 वाट है, ओके, एंड हीटर का इलेक्ट्रिक वाट है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम करता है वो कितना है 600 वाट है, ओके। अभी टीवी जो है वो 30 मिनट्स में कितना कंज्यूम करता है 500 वाट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, एंड हीटर 600 वाट इन 20 मिनट्स। तो हम लोग को यहां पे फाइंड आउट करना है कि टीवी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है या हीटर ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है। तो फर्स्ट हम लोग गिवन देखेंगे, तो हम लोग को कंपेयर करने का दोनों का, यहां पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है ये फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले मुझे दोनों कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, यानी टीवी कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हीटर कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है वो ज्यादा आएगा, ओके। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं गिवन, गिवन है फर्स्ट हम लोग लिखेंगे टीवी के लिए, ओके, टीवी कितना यूज करता है 500 वाट, ओके, तो टीवी के लिए हम लोग P1 लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर यूज करता है 500 वाट, ओके, फॉर टाइम, टाइम कितना दिया है उन्होंने 30 मिनट्स, तो उसके लिए हम लोग T1 लिखते हैं 30 मिनट्स, ओके। अभी देखो टाइम कभी भी मिनट्स में नहीं लेते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड्स में लेते हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 30 इनटू 60, ओके, तो आंसर आएगा आप लोग का 30 इनटू 60, ओके, तो आंसर आता है 1800 seconds, ओके। अभी नेक्स्ट P2 यानी कौन, हीटर, ओके, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है 600 वाट, ओके, फॉर टाइम, कितना टाइम के लिए 20 मिनट्स को भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग, वो आएगा 6 to 12 1200 seconds, ओके, तो ये P1 यानी टीवी और P2 यानी हीटर, ओके, ये हम लोगों ने लिखा। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये कितना यूज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये कितना, तो कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करता है कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कितना पावर का है और कितना टाइम यूज करता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना पावर का है वो एंड कितना टाइम यूज करता है उसका मल्टीप्लिकेशन करके इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी इक्वल टू पी वन इंटू टी वन,
P1 कितना है मेरा 500 इनटू T1 है मेरा 1800 500 इनटू 1800 18590 ओके एंड इधर देखो दो जीरो और दो जीरो ओके दो जीरो यानी इधर 100 और इधर 100 दो जीरो यानी 10 raised to 2 इधर भी दो जीरो है ये देखो ये दो जीरो पहला मैंने 18 into 5 किया आंसर आया 90 इधर दो जीरो है इधर दो जीरो है तो ठीक 10 raised to 2 हो गया ये 10 raised to 2 into 10 raised to 2 कितना आता है 10 raised to 4 आता है कितना आता है 10 raised to 4 तो ये आएगा जूल नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर इज इक्वल टू P2 इनटू T2 P2 है मेरा 600 इनटू T2 है 1200 ओके तो 6 × 12 कितना आता है 72 और इधर देखो 20 यानी 10 raised to 2 10 raised to 2 तो आता है 10 raised to 4 जूल 10 raised to 4 जूल अभी आप यहां पे देखोगे तो आपको दिखेगा ये 90 × 10⁴ जूल है और ये है 72 × 10⁴ जूल है तो आपको इससे पता चलता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है टीवी क्योंकि देखो 90 है ओके तो आप आंसर लिख सकते हो फाइनल आंसर द टीवी सेट विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन हीटर ओके सॉल्व करके हम लोग को पता चलता है टीवी सेट विल कंज्यूम और स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन हीटर ऐसा आपको यहां पे आंसर लिखना है अभी अपना जो लास्ट सम है वो क्या दिया है देखो एन इलेक्ट्रिक आयरन जो 1100 वाट का है 1100 1100 वाट का है इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स जी यानी इलेक्ट्रिक आयरन ओके इसलिए जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग कितना उसका पावर कितना है 1100 वाट और उसको हम लोग हर दिन 2 आवर्स यूज कर रहे हैं हर दिन कितना आवर्स यूज कर रहे हैं 2 आवर्स व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंस फॉर द दैट इन अ मंथ ऑफ अप्रैल तो बोलते हैं कि अगर आप वो इलेक्ट्रिकल आयरन जिसका कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक पावर का कैपेसिटी है 1100 वाट और आप जिसको 2 डेज डेली यूज 2 आवर्स डेली यूज करते हो तो अप्रैल मंथ में आपका बिल कितना आएगा तो इलेक्ट्रिक आयरन कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा फॉर अ मंथ ऑफ अप्रैल ओके और उसका जो कंज्यूम किया इलेक्ट्रिक एनर्जी उसका कॉस्ट कितना आएगा यानी अगर आप ऐसा सिंपल में देखोगे तो आपको उसका बिल कितना आएगा जो आपको बिल आता है मंथली बिल आता है तो वो बिल कितना है और उन्होंने कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी दिया है ओके कॉस्ट ऑफ एनर्जी दिया है उन्होंने इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस ₹5 पर यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट यूनिट का मतलब क्या है यूनिट को और एक वर्ड है या फिर और एक नाम है उसको क्या है किलोवाट आवर्स क्या नाम है यूनिट को और एक नाम है किलोवाट आवर्स ये उसका नाम है तो हम लोग पहला क्या फाइंड आउट करेंगे पहला हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो मंथ ऑफ अप्रैल में कितना एनर्जी यूज कर रहा है वो फाइंड आउट करेंगे उसके बाद जितना भी एनर्जी आएगा वो हम लोग को आएगा यूनिट में अभी 15 यूनिट आया ओके अभी उस 15 यूनिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से यानी कितना कॉस्ट है ₹5 पर यूनिट अगर हम लोग को 15 यूनिट आता है तो 5 × 15 करके टोटल कॉस्ट आएगा तो फर्स्ट मेरा टारगेट रहेगा एम रहेगा क्या फाइंड आउट करना कि अप्रैल मंथ में इलेक्ट्रिक आयरन ने कितना एनर्जी यूज किया वो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करूंगा जब भी हम लोग ऐसा जब बिल फाइंड आउट करते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो देखो हमेशा टाइम जो है वो हमेशा सेकेंड्स में लिया जाता है सिर्फ जब कॉस्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पे ध्यान दो जब कॉस्ट ऑफ एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने का जो कॉस्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है तो जो टाइम जो होता है वो कभी भी सेकेंड्स में नहीं लिया जाता है आवर्स में लिया जाता है याद रखो सिर्फ यहाँ पे टाइम आवर्स में लिया जाता है और देखो आपको सम में टाइम आवर्स में ही दिया है अगर नहीं दिया है आवर्स में सेकेंड्स में दिया है या फिर मिनट्स में दिया है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करो ओके तो
टाइम आवर्स में दी है। एंड जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, उस इलेक्ट्रिक पावर जो है इलेक्ट्रिक आयरन का, वो हमेशा किलोवाट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? किलोवाट। ओके, अगर नहीं रहेगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को जो दिया है वो वाट में दिया है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे गिवन कि क्या क्या दिया है हम लोग को। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन का बार दिया है पी, कितना दिया है उन्होंने 1100 वाट, 1100 वाट। ओके, मैं इसको यहां पे ही कन्वर्ट कर देता हूं, 1100 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करता हूं, 1100 अपॉन 1000। ओके, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर रहा हूं, वाट को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, किलोवाट में। ओके, तो वाट छोटा यूनिट है, किलोवाट बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट का बड़े यूनिट में कन्वर्जन करना है। मैं किससे डिवाइड करूंगा? 1000, क्योंकि उसका रिलेशन है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। ओके, तो देखो 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया। ओके, आंसर कितना आता है? 1.1 किलोवाट, 1.1 किलोवाट। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 11 अपॉन 10 किलोवाट। अभी 10 से मैंने 11 को डिवाइड किया। ओके, तो 1.1 किलोवाट ये मुझे आया। अभी टाइम कितना है, कितना टाइम यूज कर रहे हैं हम लोग? 2 hours per day ये हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड नंबर ऑफ डेज कितना है, नंबर ऑफ डेज, अभी कौन सा मंथ दिया है? अप्रैल। अप्रैल में कितना डेज रहता है? 30 days। ओके, यहाँ पे देखो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछेंगे, लीप ईयर में कितना कंज्यूम कर रहा है, लीप ईयर में कितना डेज रहता है? 365 days, आपको पता होना चाहिए। मंथ ऑफ मार्च में कितना कंज्यूम कर रहा है, तब आपको पता होना चाहिए मंथ ऑफ मार्च में कितना डेज रहता है। मंथ ऑफ दिसंबर में कितना कंज्यूम कर रहा है, ऐसा वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अप्रैल दिया है, लीप ईयर बोल सकते हैं, लीप ईयर जिसमें 365 डेज रहता है। ओके, एंड तो नंबर ऑफ डेज कितना है मेरा? 30 days। ओके, तो मैं पहला फाइंड आउट करूंगा कि वो इलेक्ट्रिक आयरन टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, अभी कैसे फाइंड आउट करूंगा? इन सब का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो है 1.1 इंटू ये है 2 इंटू ये है 30, 1.1 इंटू 2 इंटू 30। ओके, अभी देखो 30 इंटू 2 कितना आता है? 60, 1.1 इंटू 60 आएगा। ओके, अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, या फिर और मैं यहाँ पे देखो, मैंने बोला था 11 अपॉन 10 लिया तो भी चलेगा, 11 अपॉन 10, तो मैं यही लेता हूँ 11 अपॉन 10 इंटू 60। तो देखो 0 गया, 0 गया, इजी होता है सॉल्व करने के लिए, इजी होता है, कुछ नहीं। मैंने देखो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट किया, ये पॉइंट इधर लेके गया, तो एक डिजिट से पॉइंट शिफ्ट किया तो एक नीचे 0 पड़ा। या फिर आप 1.1 इंटू 60 करो, 1.1 इंटू 60 करो, तो मेरा आंसर आया 66 यूनिट, आंसर आया मेरा 66 यूनिट। ओके, अभी 66 यूनिट कैसे? किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स, इसको यूनिट बोला जाता है। किलोवाट आवर्स को क्या बोला जाता है? यूनिट। ओके, अभी देखो मैंने कितना एनर्जी कंज्यूम किया वो मुझे आया, अभी मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ उस मंथ में, जो कॉस्ट आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो भी बिल आएगा वो मैं निकाल सकता हूँ। तो कॉस्ट कितना है उन्होंने दिया है? 5 rupees per unit, okay? तो electrical consumption expenses, okay? तो मैं find out करूँगा electrical consumption expenses equal to, okay? एक unit का cost दिया है 5 rupees, हम लोग के पास कितना unit आया? 66 unit, तो 66 into 5 कितना आएगा आंसर? 66 इंटू 5 330 रुपीस, रुपीस 330, रुपीस 330, कितना फास्ट आया? रुपीस 330। ओके, तो पहला आप लोगों ने फाइंड किया कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखो याद रखो इलेक्ट्रिक पावर किलोवाट में होना चाहिए हमेशा,
टाइम आवर्स में होना चाहिए जब आप कॉस्ट निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का। तो यहाँ पे हम लोग का ये सम्स खत्म होता है। टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व किया हुआ सम्स है, वो सॉल्व करो आप, वो इजी सम्स है और इसमें से सम्स आने का चांसेस ज्यादा है। ज्यादातर ये वाला जो सम है लास्ट वाला उसका चांसेस ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन है, नंबर ऑफ डेज वगैरह चेंज करते हैं, इधर टाइम भी मिनट सेकेंड्स में दे सकते हैं, ओके इधर वैट दिया है वो वैसा दे सकते हैं, तो इसका चांसेस ज्यादा रहता है। तो इजी सम्स है, ठीक से सॉल्व।